गया बेटा, चल राखी नहीं बनवानी? पापा एक काम करो, आप रूही और पीयू को ना यहीं पे ले आओ मेरे कमरे में, मैं यहीं राखी बनवा लूंगा उनसे। पागल जैसी बातें मत करती, त्यौहार है सबके साथ मना चाहते। नहीं, नहीं, नहीं पापा, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, बहुत बड़ी गड़बड़। क्या हो गया बेटा? पापा रूही ने आलिया को घर पे इन्वाइट कर लिया रक्षाबंधन के लिए, तो अगर गलती से उसने मुझे राखी बांधी तो। अरे बुद्धो, आलिया तुझे राखी क्यों बांधेगी, हमारा मनी के साथ थोड़ी ऐसे कोई रिश्ता है यार। पापा आप आजकल की लड़कियों को ना जानते नहीं हो, अगर गलती से रूही को देखकर आलिया का मन कर गया राखी बांधने का तो फंसेगा कौन? मैं। पापा रूही और पीयू को यहीं पे बुला लो, मैं यहीं राखी बनवा लूंगा ना। एक्चुअली तू सही कह रहा है, औरतों का भरोसा नहीं खा सकती मद्रास औरतों का। पापा तभी तो मैंने ये बात आपसे। तू डर मत, मैं हूं तेरे साथ, अगर आलिया तुझे राखी बांधने वाली होगी मैं इशारा कर दूंगा, तू भाग जाना। जब तू सामने हो गई राखी बांधेगी किसको? पापा आप समझ नहीं रहे हो, अगर आदि तुझे मुझ पर भरोसा है चला जा। कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं पूरी तरह यकीन दिलाता हूँ कि वो तुझे राखी नहीं बांधेगी। चल चल चल, ले माता रानी का नाम ले, चल आ जा। अरे क्या हुआ यार, देख अब तक नहीं आई है ना वो, डर क्यों रहा है? कुछ नहीं हुआ, चल फिर चल, मैं हूं ना तेरे साथ, आ जा। हम भी आ गए। हाय रब्बा, सोने लग रहे हो, हाय मैं मर जावा। मम्मा देखो जरा आपकी परियों को, हाय मैं सदके जावा, कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू पापा, आपको पता था ना ये मेरा फेवरेट कलर है, और साजन का ससुराल में कामनी की बेटी ने यही ड्रेस पहना था। मेरा ड्रेस पापा नहीं, आपके लिए। पापा नहीं लाते तो और कौन लाता? कोस पापा जानते हैं आपका फेवरेट कलर क्या है और आपकी पसंद क्या है। अब चलो राखी बांधवा दी भैया। काजल मस्कारा इसका मैं क्या करूंगा? तू ये लेके आई है आदि के लिए? हद है। वैसे आदि गिफ्ट मिली है ना तो यूज तो करना पड़ेगा। हुआ भाई पीयू आप ये क्यों लाए हो मेरे लिए गिफ्ट? अरे नहीं 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 नहीं, ये आदि के लिए नहीं है, ये मैं इशिता के लिए लाया था, इसने कहा था इसके पास शेड नहीं लिपस्टिक है इसलिए मैं यार सारे गिफ्ट सेम थे तो मिक्सअप हो गए, सॉरी यार। आप ये गिफ्ट इशिता आंटी के लिए लिया है और मेरा गिफ्ट भूल गए। पीयू पीयू
पियू पापा बहुत सॉरी है। पापा आदि भैया वाला गिफ्ट लाए थे बेटा, तुम्हें गलत पैकेट दे दिया पापा ने। नहीं, अब मुझे आपसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। देखो पियू प्लीज ऐसा मत बोलो। नहीं सुनी मुझे किसी की बात। पियू प्लीज रोना बंद करो, पापा तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते। देखो पापा बहुत सॉरी है, तुम क्या चाहती हो पापा क्या करें? पापा कान पकड़ ले अपने, पापा तुम्हें हंसाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पियू प्लीज पापा की बात सुनो, पियू पापा की तरफ देखो तो सही। पियू प्लीज। पीहू क्या हो गया, तुम वहां से ऐसे क्यों चली गई और ऐसे सैड क्यों हो पीहू? पीहू मेरी प्रिंसेस ऐसे सैड क्यों हो गई है? मुझे पता है कि तुम वो गिफ्ट्स वाली बात को लेके इतनी सैड हो गई हो। पीहू वो गिफ्ट मेरी तरफ से था, मैंने पापा को कहा था इश्मा के लिए वो गिफ्ट लाने के लिए। हाँ पीयू मैं तुम्हें यही समझा रहा था बेटा। देखो जैसे तुमने कहा पापा से कि वो आदि भैया के लिए गिफ्ट ले आए, लेकिन वो तुम्हारी तरफ से था, वैसे ही मैंने पापा को कह दिया कि वो भी मेरी तरफ से इश्मा के लिए गिफ्ट ले आए, लेकिन वो पापा की तरफ से नहीं था, वो मेरी तरफ से था पीयू। शर्ली। हाँ पीयू, रूही दीदी ने कहा था मुझे। तुम बता तुम पापा से क्या चाहती हो, तुम चाहती हो कि पापा पापा पीहू को आपसे जो भी चाहिए होगा वो बाद में मांग लेगी ना। हाँ, जल्दी तो है नहीं। और पीहू तुम्हें पता है पापा ने ना तुम्हारी लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, और ना वो तुम्हें तुम्हारी वो फेरी वाली जो मूवी आएगी ना वो दिखाने ले जाने वाले हैं। हाँ, टिकट्स भी बुक किए पापा ने। और फिर उसके बाद तुम जाने वाली हो तुम्हारी फेवरेट प्लेस बर्गर प्लेस, एंड वहाँ पे जाके तुम अपना फेवरेट वाला बर्गर खाओगी। ओके पर पापा मुझे एक और चीज चाहिए। ये तुम जो मांगोगी पापा देंगे। क्या चाहिए? अरे पर पीहू तुम अभी तो ये प्लान सुन के इतना खुश हो गई थी ना। फिर मुझे बस ये नहीं चाहिए रूही दीदी। पापा जो मैं कहूंगी आप करोगी ना? तो क्या चाहिए तुम्हें और पीहू? तुम जो बोलोगे पापा करेंगे। प्रॉमिस पापा। प्रॉमिस। पापा मुझे चॉको चिप कुकीज खानी है। वैसे ही जैसे मामा बनाती थी, पापा आप वैसे बनाओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं बनाएंगे पापा, जरूर बनाएंगे। एक काम करो जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ, हम तेरे पहले पिक्चर देखने जाएंगे। हाँ, पहले हम वो फिल्म देखेंगे, जल्दी फैशन अप हो जाओ, जल्दी जाके। पापा आई एम सो सॉरी, मैं आपसे गुस्सा हो गई। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। पापा हम रूही दीदी को भी लेके जाएंगे ना? हाँ मैं तो आऊंगी ना। हम तीनों जाएंगे। ओके थैंक यू रूही, तुमने अच्छी तरह पीयू को हैंडल कर लिया। नो प्रॉब्लम पापा, और ये थैंक यू वैंक यू बाद में बोला, पहले मूवी की टिकट्स बुक करो, वो फेरी वाली मूवी। ओके एग्जैक्टली मैं करता हूँ सर।